देश में आपातकाल के 40 वर्ष पूरे होने की पूर्व संध्या पर केंद्र सरकार ने आपातकाल में लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए संघर्ष करने वाले लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम पर एक राष्ट्रीय स्मारक बनाने की घोषणा की है। यह स्मारक बिहार के छपरा जिले में उनके जन्म स्थान लाला का टोला गाँव में बनेगा। इस राष्ट्रीय स्मारक परिसर में राष्ट्रीय संग्रहालय, वर्चुअल म्यूजियम और एक अध्ययन केंद्र भी खोला जाएगा, जहाँ लोकतंत्र, पंचायतों का योगदान और गांधीवादी विचारों पर अध्ययन और शोध किया जाएगा। जयप्रकाश नारायण के गांव में लोकनायक खादी गौरव संवर्धन केंद्र भी स्थापित होगा। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के नाम पर एक नेशनल मेमोरियल बनाया जाएगा और केवल नेशनल मेमोरियल ही नहीं बल्कि नेशनल म्यूजियम भी होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में 6 IIM खोलने को भी मंजूरी दे दी। ये नए IIM संस्थान सिरमौर, अमृतसर, बोधगया, नागपुर, संबलपुर और विशाखापट्टनम में खोले जाएंगे। वित्त मंत्री अरुण जेटली के जो बजट भाषण में 6 IIM खोलने की बात आई थी, आज कैबिनेट ने उसको अपनी सहमति दे दी है और इनका सेशन 2015-16 से हम शुरू करने जा रहे हैं। कैबिनेट ने ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए लागत राशि को करीब 3 गुना कर 81,459 करोड़ रुपए कर दिया है। साथ ही कैबिनेट के अहम फैसले के तहत सरकार ने जापान और दक्षिण कोरिया को 3 वर्षों तक उच्च श्रेणी का लोह अयस्क आपूर्ति करने का भी फैसला किया है। सुधाकर दास के साथ ऋषि कुमार, DD News, दिल्ली।